क्योंकि आज का पूरा विषय हमारा सदन में जो बयानबाजी हुई उसको लेकर ही है। तो अब देखिए, आपने अपनी सारी बात बोल ली, गरिमा जी आपको लगातार सुन रही थी। गरिमा जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि झूठ की राजनीति आपकी तरफ से की जाती है। साथ ही इन्होंने जिस तरह से नीट का जिक्र किया, इन्होंने कहा कि भाई गलत आंकड़े पेश किए गए सदन के अंदर। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि भाई अग्निवीर को लेकर गलत बयानबाजी की गई। आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में गलत आंकड़े पेश किए गए या वही आंकड़े पेश किए गए जो देश को जानने चाहिए थे? देखिए, लगभग 6 मिनट बोले हैं संजीव वर्मा जी, और मैंने बड़ी शांति और सभ्यता के साथ इनको सुना, और मैं यही अपेक्षा करूंगी कि यही सभ्यता का परिचय ये भी देंगे। अब सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति पर काम करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हम 10 साल से देख रहे हैं, झूठ बोलो। एक मिनट रुकिए, रुकिए संजीव जी, रुकिए। ये संजीव क्या है, ये क्या तरीका है? यहाँ भी अपना संजीव जी आ रहा हूँ। संजीव जी एक सेकंड, पहले उनको बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए, गंभीर हो जाया कर। बोलिए गरिमा जी, बोलिए। आप पहले मिनट सुना है बाकी के पैनलिस्टों ने सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह, इसलिए आप शांत बैठिए। बोलिए आप, बोलिए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी है, सब झूठ बोलो, मिलकर बोलो, इतनी जोर से बोलो कि वो सच हो जाए। हम सब ने अभी सुना कि माननीय राहुल गांधी जी ने तो शिव जी, देखिए इस तरह से संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, एक सेकंड, संजीव जी, जब आपने अपनी पहली टिप्पणी शुरू की उसके बाद से लेकर अगले 4 से 5 मिनट तक आपने अपनी बात रखी, आपके पास पूरा मौका था, आपने अपनी बात रख दी। अब दूसरे पैनलिस्ट भी तो हैं, पहले उनकी कम से कम प्रारंभिक टिप्पणी तो आने दीजिए। आप अगर हर लाइन में उत्तर देने लगेंगे तो फिर तो होली बहस। गरिमा जी बोलिए आप। देखिए, राहुल गांधी जी ने सदन में क्या कहा वो सबने देखा। राहुल गांधी जी ने बाकायदा भगवान शंभू की फोटो दिखाकर कहा कि हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म तो टॉलरेंस सिखाता है, हमारा सनातन धर्म तो किसी को डराना नहीं सिखाता, स्वयं भी डरो मत और दूसरे को भी डराओ मत, हिंसा नहीं सिखाता। तो जब उन्होंने ये कहा कि जो सत्तारूढ़ दल है वो हिंदुत्व की झंडा बरदार तो बनती है, हिंदुत्व की ध्वजवाहक तो बनती है, लेकिन इसके 10 साल के कार्यकाल में हम सिर्फ हिंसा देख रहे हैं, हम सिर्फ असत्य देख रहे हैं, हम सिर्फ झूठ देख रहे हैं, हम सिर्फ नफरत देख रहे हैं। नफरत दूसरी जातियों के लिए, दूसरे धर्मों के लिए। हिंसा आप देखिए, मणिपुर में हिंसा हुई, क्या गलत बोला कि 3 महीने बाद तो आपने सदन में वक्तव्य दिया, 3 महीने तक चुप्पी सन्नाटा मणिपुर के ऊपर, सदन में चर्चा शुरू हुई 3 महीने बाद, जब सुलगते हुए मणिपुर को 3 महीने हो गए थे। तो जितनी बातें अग्निवीर के लिए बोली, मैं एक फौजी की पत्नी हूं, मैं जानती हूं आज अग्निवीर को आपने किस तरह से एक 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 पार्टीशन कर दिया है रेगुलर आर्मी में और अग्निवीर में। अग्निवीर की जान नहीं है क्या? वो देश के लिए समर्पित नहीं है क्या? अगर वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है तो क्या वो अपने माँ का कोई सस्ता बच्चा है? और जो रेगुलर आर्मी वाला है वो महंगा बच्चा है, वो प्रिय बच्चा है कि उसको तो आप शहीद का दर्जा दोगे, उसको आप मुआवजा दोगे, पेंशन दोगे, परमवीर और शौर्य चक्र दोगे, लेकिन यहाँ जो अग्निवीर है उसको ठेके पर रखा जाएगा 4 साल के? तो जाने इतनी सस्ती हो गई क्या कि आप मारने के लिए वहां पर लड़ाई करने के लिए 4 साल के आप अधवा मजदूर ले जाएंगे? उसके बाद यूज एंड थ्रो वर्ड उन्होंने यूज किया कि यू विल यूज अग्निवीर एंड यू विल थ्रो देम। उसके बाद मणिपुर पे जो बोला वो सब सच है, सबको पता है मणिपुर आज तक प्रधानमंत्री नहीं गए, जबकि उनका पहला नैतिक दायित्व था कि सुलगते हुए प्रदेश में शांति कायम करने के लिए उनको जाना चाहिए था, लेकिन वो तो पीठ दिखाऊ या रणछोड़ दास प्रधानमंत्री है। फिर उन्होंने नीट एग्जाम पे बोला, नीट एग्जाम पर क्या गलत बोला आप बताइए? एक अमीर और गरीब की खाई इस देश में बन गई है कि नहीं बन गई है? मैं ये कल का हिंदुस्तान अखबार लेकर बैठी हूँ भाई साहब, इस हिंदुस्तान अखबार में जो केंद्रीय संपादक हैं शशि शेखर जी, वो ये लिखते हैं कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्थिक विषमता के मामले में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। हिंदुस्तान की शीर्ष 1% अमीर आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 55% हिस्सा है। जो यहाँ राजनीतिक विश्लेषक हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि कल के हिंदुस्तान अखबार का एडिटोरियल मैं पढ़ के बता रही हूँ, और इसमें काफी ऐसी बातें हैं कि इसमें ये कहा गया है कि जो हम लोग टैक्स देते हैं वो 65-70% मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों से आ रहा है, और ये जो धनाढ्य परिवार है जिसके पास देश की 55% धन संपदा है, उनसे 5% का GST वसूल हुआ है पूरे साल भर में।
तो ये तो 5% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश के निर्माण में, विकास में। तो नीट का भी वही है, एक अमीर और गरीब की खाई बन गई है। जो खरीद सकता है प्रश्न पत्र वो डॉक्टर बन जाएगा, जो नहीं दे पाएगा इन माफियाओं को पैकेज, जो भारी भरकम पैकेज है वो नहीं बन पाएगा। अब आलोक जी बहुत होशियारी के संग भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनका आईटी सेल ट्रोल आर्मी नीट एग्जाम में जो धांधली हुई और जो देश सुलग रहा है नीट की आग से, उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल जी ने जो नहीं कहा उसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। यानी कि उनके भाषण को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व, नरेंद्र मोदी अकेले हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, भाजपा और आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है, बहुत ऐसे हिंदू हैं जो टॉलरेंस में यकीन करते हैं, जो सर्वधर्म संभाव में यकीन करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई में यकीन करते हैं, या फिर जो हमें बचपन में कविता सिखाई जाती थी उस पर यकीन करते हैं कि न हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं इंसान बनूंगा। तो अगर गरिमा दसौनी इन लाइनों पर विश्वास रखती है, इंसानियत पर विश्वास रखती है, तो क्या मैं हिंदू नहीं रही? तो ये उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सिखा रहा है, ये भेदभाव करना सिखा रहा है, ये नफरत की खाई को बढ़ा रहा है। और आज उनके भाषण को तोड़ मरोड़ के भाजपा के नेताओं के द्वारा और आईटी सेल के ट्रोल आर्मी के द्वारा प्रचारित प्रसारित ऐसे कहा जा रहा है जैसे पूरे हिंदू धर्म को राहुल गांधी ने गाली दे दी। ठीक है, आपने भी अपनी पूरी बात रखी। आशुतोष शर्मा भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष जी, देखिए राहुल गांधी के बयान को आपने भी ध्यान से सुना होगा, उन्होंने किस तरह टिप्पणी। संजीव जी आऊंगा आऊंगा, देखिए हमारे साथ चार मेहमान हैं। संजीव जी हमारे साथ चार मेहमान हैं, सभी की पहले एक बार कम से कम टिप्पणी तो आ जाए, मुझे ये तो समझ में आ जाए कि कौन आखिर क्या सोच रहा है। मैं आ रहा हूँ एक सेकंड गरिमा जी, एक सेकंड आशुतोष जी, जिस तरह से ठीक है गरिमा जी ठीक है लेकिन ये थोड़ी गरिमा जी ठीक है आपकी बात आ गई, रुक जाइए। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। आशुतोष जी, आपने राहुल गांधी के बयान को आपने सदन में सुना, उसके बाद प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, वो भी अपना उत्तर देते हैं, उस बयान को भी आपने सुना, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया, पूरी सदन की कार्यवाही में जो बयानबाजी हुई, जिस तरह से आपस में गहमा गहमी हुई, उसमें आपको क्या कुछ समझ में आया? देखिए राहुल गांधी का यह बयान ज्यादा आपत्तिजनक है, उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ करा, इसके लिए उनको पूरे देश से सदन में बल्कि घर का जाकर के माफी मांगनी चाहिए। बहुत शर्म की बात है कि ऐसा व्यक्ति विपक्ष का नेता इस देश में आएगा, उनको विपक्ष के नेता से इस्तीफा देना चाहिए। हमें भारतीय सदन में ऐसे नेता की आवश्यकता नहीं है जो 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के खिलवाड़ सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या बदतमीजी की बात करी उन्होंने, और कहने के बाद तो बात को बदल रहा है। शर्म जी, की बात क्या गरिमा जी, एक सेकंड गरिमा जी अभी जब कोई आपके बीच में बोलेगा तब आप कहेंगे कि नहीं मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। गरिमा जी एक सेकंड ऐसे नहीं अरे नहीं भाई ऐसे नहीं होता है ना, लेकिन गरिमा जी ऐसे नहीं अच्छा ठीक है एक सेकंड गरिमा जी अरे दूसरे की बात भी तो आने दीजिए ना, वो बात नहीं बोल सकते ना जो कि आपको अच्छी लगे, जरूरी नहीं गरिमा जी, जरूरी नहीं है ना। अरे गरिमा जी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो वही बात बोलेंगे जो आपको अच्छी लगेगी। अच्छा ठीक है गरिमा जी आप क्या चाहते हैं? वो आप मेरे सेंटीमेंट आहत हैं। नहीं एक सेकंड अंदर से बहुत आपने गरिमा जी, एक सेकंड इस तरह के देश में रह लोग गरिमा जी अच्छा एक सेकंड गरिमा जी एक सेकंड गरिमा जी क्या